हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपी सीएसएस। टैली सीरीज का लेक्चर नंबर 22 है और आज हम इस वीडियो में मार्च की जो एंट्री हैं इन्हें टैली में चढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी पिछले वीडियोस में जनवरी फरवरी हमने कंप्लीट कर लिया था, इस वीडियो में हम मार्च की जो एंट्री है इन्हें टैली में करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, टैली ओपन करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डिस्प्ले में जाकर डे बुक में देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फरवरी तक की जो एंट्री है वो कंप्लीट यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। मार्च की एंट्री कंटिन्यू करते हैं, तो उसके लिए वापस आते हैं और अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में सबसे पहले तो हमें डेट चेंज करनी है मार्च की, तो यहाँ पर हम F2 बटन प्रेस करेंगे और 1-3 यानी 1 मार्च, ठीक है, और एंटर करेंगे। तो आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर ये डेट 1 मार्च सेट हो चुकी है, क्लियर। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, मिस्टर वोमा परचेज वाटर कूलर फ्रॉम केंट हाउस कीपिंग। मिस्टर वोमा ने क्या किया है, वाटर कूलर जो है ये परचेज किया है, किससे किया है, केंट हाउस कीपिंग, ठीक है। केंट हाउस कीपिंग ये कंपनी है जिससे इन्होंने वाटर कूलर जो है खरीदा है, समझ गए। कितने का खरीदा है, 7,400 रुपये का खरीदा है एंड पेड 600 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज, ठीक है। और क्या किया है, 600 रुपये जो है उसको इंस्टॉल करने में यानी इंस्टॉलेशन चार्ज जो होता है वो 600 रुपये अलग से इनका पड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि कैश में पेमेंट किया गया है या फिर चेक में पे किया गया है, समझ गए। तो ये एंट्री उधार है। उधार कैसे होगी, देखिए यहाँ पर मिस्टर ओमा ने परचेज तो किया है वाटर कूलर केंट हाउस कीपिंग से किया है एंड पेड यहाँ पर लिखा तो हुआ है पेड, बट पेड नहीं किया है, मतलब ये बता रहे हैं कि 600 रुपये और भी इनको मतलब पे करना है, यानी पेड किया है यानी उसमें जोड़ा जाएगा अलग से, समझ गए होंगे आई थिंक। फिलहाल ये एंट्री उधार है, इसमें कहीं पर नहीं लिखा है कि पेमेंट किया है कैश से या फिर चेक से। तो यहाँ पर डेबिट में क्या हो जाएगा, आपको पता है वाटर कूलर खरीदा है तो वाटर कूलर आपका आने वाला है, तो ये वाटर कूलर आपका हो जाएगा डेबिट, ठीक है। और इसका अमाउंट कितना होगा, 7,400 रुपये। और दूसरी बार यहाँ पर देखिए, एक बार डेबिट और होगा, दूसरी बार डेबिट क्या होगा, यहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्ज जो है ये 600 रुपये पड़ा है ना, तो ये आपका खर्चा है यानी एक्सपेंसेज है, तो ये भी आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इसको भी 600 रुपये को भी तो चढ़ाना है, तो इंस्टॉलेशन चार्ज अगर हम चाहें तो एक हमारे पास पुराना लेज़र पड़ा हुआ है ऑलरेडी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का पड़ा हुआ है, याद होगा आपको। तो जब भी हम अपनी कंपनी में कोई भी चीज़ रिपेयर करवाते हैं या मेंटेन करवाते हैं तो उसका जो खर्चा होता है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में रख देते हैं, तो यहाँ पर भी हम इसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर देंगे, ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो दो हमारे डेबिट हो गए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के 600 रुपये होगा, और यहाँ पर क्रेडिट में आपके हो जाएंगे केंट हाउस कीपिंग, क्यों, क्योंकि ये उधार दे रहे हैं, समझ गए ना, उधार दे रहे हैं, तो ये हो जाएंगे केंट हाउस कीपिंग, ये आपके हो जाएंगे क्रेडिट, ठीक है। और इनका अमाउंट जो होगा, इनका टोटल अमाउंट होगा आपका 8,000 रुपये, दोनों को जोड़ देंगे 8,000 रुपये होगा। लेजर केंट हाउस का बनेगा सन्ड्री क्रेडिटर में, किसमें बनेगा, सन्ड्री क्रेडिटर उधार दे रहे हैं। और वाटर कूलर का आपको पता होगा किसमें बनेगा, फिक्स्ड असेट, क्योंकि ये स्थायी संपत्ति है, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है। कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए एंट्री को फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने डेट ऑलरेडी चेंज कर ली थी, वाउचर यहाँ पर जनरल होगा, वाउचर कौन सा होगा आपका, जर्नल हो जाएगा। डेबिट में होगा वाटर कूलर, तो लेज़र बनाएंगे वाटर कूलर का, ठीक है, वाटर कूलर का लेज़र बना लिया। और ये अंडर जाएंगे आपके फिक्स्ड असेट्स के, ठीक है, अंडर फिक्स्ड असेट्स, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और इनका अमाउंट कितना है, 7,400 रुपये है। दूसरी बार यहाँ पर फिर से डेबिट होगा, और दूसरी बार डेबिट होगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो आर बटन प्रेस किया और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का लेज़र ऑलरेडी बना है, 600 रुपये अमाउंट डाला, और क्रेडिट में आपका यहाँ पर हो जाएगा केंट हाउस, और केंट हाउस का जो है लेज़र बनेगा, तो अल्ट के साथ सी बटन प्रेस किया और केंट हाउस का यहाँ पर हम लेज़र बनाएंगे, ठीक है, केंट हाउस कीपिंग। और ये किसके अंडर जाएगा, ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, क्योंकि ये उधार दे रहे हैं, और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे, और फाइनली ये एंट्री हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर ओमा रिसीव्ड चेक 20,000 फ्रॉम जॉय इन्फोकॉम, ठीक है, जॉय इन्फोकॉम से यहाँ पर क्या हुआ है, चेक रिसीव हुआ है, तो वाउचर रिसीव्ड हो जाएगा। क्रेडिट में देने वाले जॉय इन्फोकॉम है जिनका लेजर पहले से बना है, कितना, 20,000 रुपये, और डेबिट में आपका हो जाएगा SBI बैंक, और इसे हम फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिस्टर ओमा इशू अ चेक 15,500 टुवर्ड सैलरी, मतलब सैलरी दी है, और इसकी एंट्री करते हैं हम, फिर वाउचर पेमेंट हो गया, डेबिट में आपका सैलरी हो जाएगा, सैलरी एक्सपेंसेज 15,500 रुपये, क्रेडिट में आपका SBI बैंक, और इस एंट्री को हमने फटाफट एक्सेप्ट कर लिया। अगली एंट्री देखते हैं, अगली एंट्री मिस्टर ओमा विड्रॉ, यहाँ पर मिस्टर ओमा ने विड्रॉ किया है, और यहाँ पर लास्ट में बताया गया पर्सनल यूज के लिए यानी निजी खर्च के लिए निकाला है, तो आपका यहाँ पर देखना पड़ेगा बैंक से निकाला, हाँ ये आपका बैंक से निकाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी एंट्री करते हैं, वाउचर आपका यहाँ पर पेमेंट होगा जो कि ऑलरेडी सेट है, और डेबिट में विड्रॉ यानी कि ड्राइंग का लेजर है, तो यहाँ पर ड्राइंग्स, और अमाउंट कितना है, तो इनका अमाउंट 4,500 रुपये है, और क्रेडिट में यहाँ पर हो जाएगा SBI बैंक, ठीक है, SBI बैंक ये हो गया, और इसे हम फाइनली
एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री में स्टोमा ने 3,000 रुपये क्या किया, रेंट दिया है, और उसके बाद 1,100 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है, और 750 रुपये इन्होंने ऑफिस मेंटेनेंस का दिया, और 650 रुपये कन्वेंस का दिया। आई थिंक समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, रेंट जो दिया है ये भी कैश में है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैश में है, ऑफिस मेंटेनेंस कैश में है, और कन्वेंस एक्सपेंसेस भी कैश में है। तो हम चाहें तो चारों को एक में कर सकते हैं, समझ गए ना। तो हम इन चारों एंट्रियों को एक में करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो रेंट एक्सपेंसेस कितना है, 3,000 रुपये। सबसे पहले वाउचर पेमेंट हो जाएगा, डेबिट में हो जाएगा आपका रेंट एक्सपेंसेस 3,000 रुपये। दूसरी बार यहाँ पर देखिए डेबिट में क्या होगा, दूसरी बार डेबिट में आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 1,100 रुपये। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाएगा 1,100 रुपये। तीसरी बार फिर से डेबिट होगा, और अगली बार डेबिट क्या होगा, ऑफिस मेंटेनेंस 750 रुपये, ऑफिस मेंटेनेंस यानी कि ऑफिस एक्सपेंसेज होगा, ठीक है, ऑफिस मेंटेनेंस यानी ऑफिस एक्सपेंसेज। और इसका टोटल अमाउंट कितना है, तो इसका शायद 750 रुपये है। और लास्ट में एक बार और डेबिट है कन्वेंस एक्सपेंसेज, और जो कन्वेंस एक्सपेंसेज है ये 650 रुपये, ठीक है। और क्रेडिट में यहाँ पर कैश है, ठीक है, कैश। इसको हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं। तो यहाँ पर ऑफिस मेंटेनेंस 750 रुपये, कन्वेंस 650 रुपये, और चारों एंट्रियाँ जो हैं वो कैश में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर 5,500 रुपये कैश कंप्लीट आ चुका है। कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं, ऐसे एंट्री को हम एक्सेप्ट करते हैं, और चारों क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्टोमा रिसीव्ड कैश 45,000 टुवर्ड कंसल्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम जी टेलीफिल्म LTD, ठीक है। मिस्टोमा ने क्या किया है, 45,000 रुपये जो है ये कैश रिसीव किया है, इनकम हुई है कंसल्टिंग रेवेन्यू। सिंपल सी एंट्री है। तो वाउचर रिसीव्ड हो जाएगा, क्रेडिट में आपका हो जाएगा कंसल्टिंग रेवेन्यू, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। कितना हुआ है, 45,000 रुपये। और डेबिट में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कैश मिला है, ठीक है, और हमने एक्सेप्ट कर लिया। कंफर्म कर लेते हैं, तो 45,000 ही था और कैश था, ठीक है। अगली एंट्री, मिस्टोमा पेड कैश 1,280 टुवर्ड मोबाइल एक्सपेंसेस यानी टेलीफोन एक्सपेंसेज पे खर्च किया है। तो वाउचर पेमेंट हो जाएगा, डेबिट में आपका टेलीफोन एक्सपेंसेज हो जाएगा। और अमाउंट कितना है, तो अमाउंट देख लेते हैं, आपका 1,280 रुपये है, 1,280 रुपये। और यहाँ पर क्रेडिट में आपका कैश हो जाएगा, और इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अगली एंट्री देखते हैं, मिस्टोमा पेड कैश 8,000 केंट हाउस कीपिंग, जो केंट हाउस कीपिंग से अभी भी उधार खरीदा था वो यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं। तो डेबिट में आपके हो जाएंगे केंट हाउस कीपिंग हो जाएंगे, कितना, 8,000 रुपये। और क्रेडिट में यहाँ पर आपका हो जाएगा कैश। कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। मिस्टोमा रिसीव्ड अ चेक 20,000 फ्रॉम स्टार कंसल्टेंसी, ठीक है। चेक प्राप्त किया, यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ है, चेक मिला है, और स्टार कंसल्टेंसी यानी इनका पुराना बकाया पेमेंट था, आपको याद होगा स्टार कंसल्टेंसी ये पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। तो पैसा कुल मिला के यहाँ पर मिल रहा है, तो वाउचर क्या हो जाएगा आपका, रिसिप्ट F6। क्रेडिट में हो जाएंगे यहाँ पर स्टार कंसल्टेंसी, तो ये स्टार कंसल्टेंसी का देखिए लेजर पहले से बना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका अमाउंट जो है 20,000 रुपये ऑलरेडी डेबिट है, यानी कि उधार है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 20,000 रुपये, तो इसकी एंट्री करेंगे, 20,000 रुपये ये देने वाले क्रेडिट हो गए, और हमारे पास आने वाला क्या है, चेक है, तो ये आपका डेबिट हो जाएगा बैंक, और ये आपकी फाइनल एंट्री एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो चुका है, हमने लास्ट तक मार्च तक की पूरी कंप्लीट कर ली है एंट्रियाँ, यानी कि कैश स्टडी वन की जो जनरल क्वेश्चन थे हमारे, वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। कैश स्टडी वन जो है ये फुल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम आगे आने वाले वीडियोस में कैश स्टडी टू पढ़ेंगे, जिसमें हम अकाउंट विद इन्वेंट्री देखेंगे, जिसमें परचेज और सेल्स वाली सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिलहाल अभी के लिए क्या करना है हमें, देखिए मार्च तक की एंट्री तो हो गई, अब मान लीजिए इसी बिजनेस को कंटिन्यू करना है तो क्या करना होगा हमें। अब यहाँ पर आप टैली में अगर देखेंगे तो देखिए हमारे बिजनेस को एक साल कंप्लीट हो चुका है, पूरा वन ईयर हो चुका है। अब नेक्स्ट ईयर के लिए क्या, अब यहाँ पर तो देखिए 31 मार्च तक एंट्री हो गई, अब मान लेते हैं कि अगले मंथ में, यानी कि डेट क्या होगी आपकी, 1 अप्रैल 2017, तो अब यहाँ पर ये आपका नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, यानी कि न्यू ईयर। तो जो न्यू ईयर की एंट्री होंगी, ठीक है, न्यू ईयर की एंट्री होंगी, तो क्या ये इसी कंपनी पर चढ़ेंगे, इसी कंपनी पर मीन्स क्या ये UPCSS नाम की कंपनी जो हमने बना रखी है ऑलरेडी, इसी कंपनी पर चढ़ेंगी, और क्या हम अकाउंटिंग वाउचर में जा करके यहाँ से F2 बटन प्रेस करके डेट चेंज करेंगे, 1/4 यानी 1 अप्रैल डालेंगे, नहीं, ठीक है। अगर हम 1 अप्रैल यहाँ पर डालेंगे तो आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं 1 अप्रैल 2016 ऑटोमेटिक आ गया, ये पहली डेट आ गई, पिछले बैक चले गए हम। और अब आप सोचें कि हम यहाँ पर F2 बटन प्रेस करके पूरी डेट डाल दें, 1-4/2017, तो ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पर ये बता रहा है ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए टैली में क्या होता है कि जब हमारा वन ईयर कंप्लीट हो जाता है, वन ईयर
कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में हम क्या करते हैं, नई कंपनी बनाते हैं, उसी कंपनी पर एंट्री नहीं होती। अब यहाँ पर हमने यूपी से एसएस पर क्या किया है, एक साल की एंट्री कंप्लीट कर दी है, 1 ईयर की। अब हम एक दूसरी कंपनी बनाएंगे, समझ गए ना, एक हम दूसरी कंपनी बनाएंगे और जो नेक्स्ट ईयर की एंट्री होंगी वो हम दूसरी कंपनी पर करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, रियलिटी में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। नई कंपनी बनती है हर साल के लिए। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है, वो क्वेश्चन ये है कि जितने लेज़र हमने पिछली कंपनी में बनाए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे यूपी सी आई एस एस में पता नहीं कितने लेज़र बन चुके हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, लेज़र देखने के लिए आपको जाना है यहाँ पर अकाउंटिंग इन्फो में, अकाउंटिंग इन्फो और लेज़र, और यहाँ पर हम डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले में जाके अगर आप देखेंगे तो ये पूरी कंप्लीट लेज़र की लिस्ट है इस ईयर में जितने लेज़र बनाए गए, ठीक है। तो क्या जब हम नई कंपनी बनाएंगे, देखिए जब भी हम नई कंपनी बनाते हैं तो उसमें वहाँ पर कुछ नहीं होता, ना कोई एंट्री होती है ना कोई लेज़र बने होते, तो क्या ये सारे लेज़र हमको फिर से बनाने होंगे, तब तो काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। नहीं, टैली में ये फीचर है कि आप पुरानी वाली कंपनी से मीन्स यूपी सी आई एस एस वाली जो कंपनी है हमारी, हाँ, इस यूपी सी आई एस एस वाली कंपनी में जितने भी लेज़र बने हैं उन सभी लेज़र को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ लेज़र, और जो नई कंपनी बनाएंगे उसे आप उन लेज़र को उस कंपनी में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, पुरानी कंपनी से लेज़र एक्सपोर्ट कर लिए और नई कंपनी में लेज़र इंपोर्ट कर दिए। तो हमें लेज़र बनाने नहीं होंगे, बस हमें करना क्या होगा, नए साल में यानी दूसरे साल में जो फर्स्ट मंथ की एंट्री होंगी, रेंट दिया, एक्सपेंसेज हुआ, इनकम हुआ, नॉर्मली जनरल एंट्री जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे हर महीने की, वैसे ही हम नेक्स्ट ईयर के भी नई कंपनी पर करते रहेंगे, समझ गए। तो ये पूरी प्रोसेस क्या है, और साथ में हम क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक यानी क्लोजिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस क्या होता है यानी ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस, ये सब क्या होता है, हम पुरानी वाली कंपनी से लेज़र कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, नई कंपनी बना के आगे हम काम को कैसे कंटिन्यू करेंगे, ये सारी चीज़ें आगे की जो है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। पूरा इसका एक सेपरेट वीडियो होगा जिसमें हम सभी टॉपिक को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और इस वीडियो में आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर कैश स्टडी 1 की जो एंट्रियाँ थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं अप्रैल से लेकर के मार्च तक की, और अगले वीडियो में हम देखेंगे क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, फिर उसके जस्ट अगले वीडियो में हम कैश स्टडी 2 अकाउंट विद इन्वेंट्री पे काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।